बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके आया हूँ वकील कॉलोनी लायर्स टाउन रावलपिंडी में। घर का विज़िट है, 5 मरला 1.5 स्टोरी। ये फ्रंट से तो आपको डबल नज़र आ रहा है, लेकिन ये 1.5 स्टोरी जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। फ्रंट एलिवेशन जो है आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से ग्राफिक का इस्तेमाल हुआ हुआ है। मेन गेट और ये इसका स्ट्रीट ओवरव्यू। पानी बिजली गैस इसमें अवेलेबल है। गैस का जो है वो सबमिट है, डिमांड नोटिस वो इंशाल्लाह होपफुली जल्दी जो है वो लग जाएगा। रैंप जो है अभी इसका बनने वाला है, अभी काम हो रहा है इस घर में। अभी काम इसका जो है ना काफ़ी जारी है अंदर मेंटेनेंस का, तो मैंने सोचा आपको मैं पहले आप दिखा देता हूँ ओवरव्यू। प्राइस जो है वो मैं एंड पे कोट करूँगा, बहुत ही रीज़नेबल घर है। वीडियो आपने एंड तक ले देखनी है, प्राइस फिर मैं एंड पे कोट करूँगा जी। ये इसका पाउडर रूम, ड्राइंग रूम की एंट्रेंस और मेन घर की एंट्रेंस, और ये सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर अपर पोर्शन के लिए। अभी ये मार्बल जो है वो नीचे लगा हुआ है, अभी ये जो है ना पॉलिश होने वाला है, इसलिए जो है ना यहाँ पे कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। मैं आपको पाउडर रूम का विजिट करवा देता हूँ। टाइल का इस्तेमाल हुआ हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद हम एंटर होते हैं मेन डोर से। नीचे जो है मार्बल का इस्तेमाल है, लेकिन अभी जो है ये कुछ एरिया इसका पॉलिश हुआ हुआ है, कुछ एरिया भी पॉलिश होने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस का काम जारी है, जो भी बायर घर बाय करेगा उसे मुकम्मल कंप्लीशन के साथ दिया जाएगा। सीलिंग ओवरव्यू आप देख सकते हैं, टीवी लॉन्च का एंटर होते ही, और वॉल पे वॉलपेपर है। सामने 2 बेडरूम है, और ये टीवी के लिए वुडवर्क है जो अभी इन प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद डोर आपको मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ, ये भी अभी जो है ना वो पॉलिश होने वाले हैं। उसके बाद ये ओपन किचन है, किचन में जो है वो टाइल का इस्तेमाल, और ये इसमें वुड वर्क है। आपको बताया कि अभी ये सब पॉलिश होने वाला है, काम अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है जी। टीवी लॉन्च के बाद ये एरिया जो है वो ड्राइंग रूम का एरिया, नीचे मार्बल का इस्तेमाल। ये इसका एंट्रेंस है बाहर जो है वो, और वॉलपेपर एंड सीलिंग ओवरव्यू। जी ये हो गया ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, ओपन किचन, मार्बल, सिंपल जो है वो सीलिंग डिज़ाइन है, वॉल ग्लोब, अटैच वॉशरूम एंड कबर्ड्स। इस वाले बेडरूम के साथ जो है वो बाहर एंट्रेंस है लॉन्ड्री एरिया को, वो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जो है ना वो ये इसका अटैच वॉशरूम, टाइल का इस्तेमाल हुआ हुआ है। बाहर ये इसका लॉन्ड्री एरिया, मार्बल का इस्तेमाल। 25x50 साइज है प्लॉट का। ये हो गया बेडरूम फर्स्ट, और ये इसका सेकंड बेडरूम है, मार्बल का इस्तेमाल, अटैच वॉशरूम, ये ऊपर स्टोर के लिए लेदर से दरवाज़ा रखा गया एंड वेंटिलेशन विंडो, और उसके बाद ये इसकी कबर्ड्स। वॉशरूम का मैं करवा देता हूँ विजिट। एक्चुअली मुझे जो है वो बहुत डिमांड आ रही थी थोड़े से चीप घर लाने की, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की तरफ, वीआईपी सोसाइटी, और जो है वो वकील कॉलोनी की तरफ, तो इसलिए मैं इस तरफ मूव हुआ। तो मैंने कहा चलें इधर के भी आपको जो है ना रेट्स के कुछ आइडियाज़ दे दिए जाएं। मार्बल का इस्तेमाल स्टेयर्स पे, और स्टेनलेस स्टील की ग्रिल। ऊपर जो है वो एक ही बेडरूम है, ममटी है, और साथ में अलहदा से जो है ना वो वाशरूम है। ये अभी बुरा गिराया हुआ है, क्योंकि ऊपर जो है मार्बल पे जो है वो हुआ हुआ है,
पॉलिश हुई हुई है, जिसकी वजह से जो है ना बुरा रखा गया ताकि मार्बल को प्रॉब्लम ना हो। जी यो बेडरूम है और इसमें ये कबर्ड्स हैं। डोर और साथ में जो है ना वो वेंटिलेशन के लिए। अभी हम ममटी की तरफ, ये इसे आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं और अलहदा से वन बेडरूम जो है वो रेंट आउट भी कर सकते हैं। बाद में अगर आप ओनर से डिमांड करें तो वो ओपन किचन भी बना देंगे। अच्छा जी, फ्लोरिंग जो है वो अभी सीमेंटेड है, अभी ना मार्बल है ना चिप्स है, और साथ में जो है वो ओपन वाशरूम है। टाइल का इस्तेमाल हुआ है। ये जो है वो छत है और मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ स्ट्रीट का। ये जी स्ट्रीट का ओवरव्यू है। ये आप देख सकते हैं ग्राफिक का इस्तेमाल हुआ है फ्रंट साइड पे कंप्लीट। जी व्यूअर्स, ये विज़िट है वन एंड हाफ स्टोरी का। इसे हम सिंगल स्टोरी तो नहीं कहेंगे, वन एंड हाफ स्टोरी कहेंगे। इसकी प्राइस है 75 लाख, 75 लाख रुपये इसकी डिमांड है। प्राइस निगोशिएबल है। सेल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप सेल नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।